कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पे हम हर साल हमारे फैमिली के साथ जाते हैं, और मेरे लिए वो प्लेस है देहू और आलंदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस व्लॉग में हम देहू और आलंदी विजिट करने वाले हैं। मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हर साल यहाँ आता हूँ, और इस साल मेरे पेरेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया है। अभी सुबह के 9 बजे है और हम देहू में दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। सुबह होने के कारण यहाँ पे दर्शन के लिए बिल्कुल भीड़ नहीं है। हमने सबसे पहले विट्ठल रखुमाई टेम्पल विजिट किया। विट्ठल इज नोन एज अलायस टू लॉर्ड विष्णु। देहू के संत तुकाराम महाराज पंडरपुर के विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ पे राम मंदिर भी है जो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। ये सब टेम्पल बहुत पुराने हैं। आप देख सकते हो कि इस मंदिर में कितनी खूबी से कार्विंग की गई है। इट इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे शिव जी और गणेश जी का भी टेम्पल है, पर देहू में जो मेन अट्रैक्शन है वो है संत तुकाराम महाराज का शिला मंदिर। इस शिला मंदिर को हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। तत्कालीन कुछ लोगों ने संत तुकाराम द्वारा लिखी गई गाथाएं इंद्रायणी नदी में डूबोई थी। वो गाथा डूबने के बाद महाराज ने एक शिला पे बैठ के प्रेयर्स की थी। वो शिला को डेडिकेटेड किया गया ये मंदिर है। शिला मंदिर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चली कि इस मंदिर की जो हाइट है वो 42 फीट है, और इस मंदिर में रखी गई मूर्ति 42 इंचेस की है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि संत तुकाराम महाराज की आयु 42 ईयर्स थी जब वो वैकुंठ चले गए। शिला मंदिर के दर्शन लेने के बाद हम शिला मंदिर के पास ही संत तुकाराम महाराज का जन्मस्थान मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं। इस जगह पे संत तुकाराम महाराज का जन्म हुआ था। अभी ये मंदिर के रूप में लोगों को देखने के लिए ओपन है। 17th सेंचुरी का ये घर आज भी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, ये देख के अच्छा लगा। इस मंदिर में भी संत तुकाराम महाराज की मूर्ति रखी गई है। संत तुकाराम महाराज के लिखे हुए फेमस अभंग यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जन्मस्थान मंदिर के दर्शन लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं संत तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन मंदिर के तरफ। शिला मंदिर के बाहर आने की जो बड़ी कमान है उसी के राइट ऑपोजिट में ये टेम्पल है। ये बड़ी शान जगह है, और इस मंदिर के साइड में ही इंद्रायणी नदी बहती है। इस मंदिर में संत तुकाराम महाराज की मूर्ति के पीछे विठ्ठल रुक्माई की मूर्ति है, विच सिग्निफाइज दैट गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर हिज डिवोटीज। इस मंदिर के पास एक वॉल है जहाँ पे स्कल्पचर द्वारा संत तुकाराम महाराज के जीवन के कुछ दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से संत तुकाराम महाराज वैकुंठ के लिए गरुड़ पे सवार होके गए थे। मंदिर
मंदिर के सामने जो पेड़ है उसे नांदूर की वृक्ष कहा जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि तुकाराम बीच के दिन ठीक दोपहर 12:02 पे ये वृक्ष जोर से हिलता है। दिस फेनोमेना इज एक्चुअली रिकॉर्डेड एवरी ईयर ऑन तुकाराम बीच। तुकाराम बीच देहू में हर साल एक फेस्टिवल के तरह मनाया जाता है। ये इंद्रायणी नदी है जिसमें संत तुकाराम की लिखित गाथा डुबोई गई थी। देहू में दर्शन लेने के बाद अभी हम आलंदी की ओर निकल पड़े हैं। आलंदी देहू से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। देहू से आलंदी जाने के लिए PCMC की बसेस इजीली अवेलेबल है। अभी हम आलंदी पहुंच गए हैं। एकादशी होने के कारण आलंदी में यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के पर्व पे यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 13th century में वारकरी संप्रदाय की स्टार्टिंग की थी। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव ऐसे काव्य लिखे हैं जो आज भी घरों में पढ़े जाते हैं। मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने इसी मंदिर में समाधि ली थी, इसीलिए आलंदी के इस मंदिर को संजीवन समाधि मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है। दर्शन के लिए यहाँ पे दो लाइन से एक नीचे से जाती है और एक सीढ़ियों से होकर ऊपर से जाती है। हम नीचे के लाइन में खड़े हुए हैं। एक्चुअल दर्शन के लिए हमें यहाँ पे 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। इस लाइन में खड़े होने पर मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर हर भाविक में एक प्रकार का उत्साह है। एकादशी के दिन सबका उपवास होता है, फिर भी सब में दर्शन के लिए इस लंबी लाइन में खड़े रहने का पेशेंस है। बच्चे बूढ़े जवान सभी इस लाइन में खड़े हैं और सबके जुबान पर संत ज्ञानेश्वर महाराज का नाम है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस लाइन में खड़े रहकर दर्शन लेने का एक्सपीरियंस बहुत स्पिरिचुअल था। फाइनली हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं वो है अजान वृक्ष। ऐसा कहा जाता है जब संत ज्ञानेश्वर ने यहाँ पे समाधि ली थी तब उनके हाथ में एक लाठी थी और उसी लाठी से ये वृक्ष उपजा है। इसी कारण इस वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके छांव में बैठकर वारकरी ज्ञानेश्वरी का पठन करते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज के मेन टेम्पल में कैमरा अलाउड नहीं है, पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति के दर्शन लेकर हमें बहुत प्रसन्न फील हुआ।